नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बता दें कि उत्तर भारत में कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली 18 ट्रेनें लेट हो चुकी है। कोहरे के वजह से कई फ्लाइट्स भी रद्द हो चुकी है। कोहरे और शीतलहर की चपेट में मध्य भारत के राज्य है। दिल्ली में 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है तापमान। ऐसे में आपको बता दें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में बर्फबारी की आशंका जाहिर की जा रही है। राजस्थान, यूपी, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में भी कोल्ड वेव का अलर्ट जारी हो चुका है। तो कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली 18 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही है। कोहरे के कारण कई फ्लाइट्स ऐसे हैं जो रद्द हो चुकी है। उत्तर भारत में कोहरे का सितम लगातार जारी है। कई सड़क दुर्घटनाएं भी कोहरे की वजह से हो रही है। ऐसे में आपको बता दें कि तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है लगातार, और ऐसे में ठंड का प्रकोप लगातार कहर ढा रहा है। दिल्ली की बात की जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में बर्फबारी की आशंका भी जताई जा रही है। राजस्थान, यूपी, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में भी कोल्ड वेव का अलर्ट जारी हो चुका है। उत्तर भारत में ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे, किस तरीके से कोहरे का सितम लगातार जारी है। 18 ट्रेनें ऐसी है जो कि अपने समय से लेट चल रही है, और कई फ्लाइट ऐसे जो रद्द हो चुके हैं। तो कोहरे के कारण न सिर्फ यातायात पे असर पड़ा है, बल्कि सड़क दुर्घटना में भी यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो उत्तर भारत में कोहरे की चपेट में है, और ऐसे में लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। जो जीवन की गाड़ी है वो पटरी पे नहीं आ पा रही है, और लोग इस ठंड में जीने को मजबूर है। दिल्ली में 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान जा चुका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात की जाए, उत्तराखंड में भी बर्फबारी की आशंका जाहिर की जा रही है। कई राज्य ऐसे जहां पर रेड अलर्ट जारी हो चुका है, और कोहरे के कारण लगातार लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो कई ट्रेनें लेट से चल रही हैं, और बता दें कि फ्लाइट भी रद्द हो चुकी है, वो भी लेट से चल रही हैं। उत्तर भारत में कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं, और आने वाले कुछ दिनों तक कोहरे से निजात नहीं मिलने वाली। साफ तौर पे मौसम विभाग की तरफ से कह दिया गया है, जरूरत ना पड़ने पर आप घरों से बाहर ना निकलिए। और कई जगह से जहाँ पर लोग अलाव का सहारा ले रही हैं ठंड से बचने के लिए, अभी जो स्थिति है काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि इतनी ठंड जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। उत्तर भारत में तकरीबन यही ठंड काफ़ी दिनों से लोगों को झेलनी पड़ रही है, जिसके कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, और कई सड़क दुर्घटनाएं भी कोहरे की वजह से हो रही है। बता दें कि जो गाड़ियां पहले दौड़ती थी सड़क पे, अब रेंगती हुई नजर आ रही है। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, सुबह शाम की तकरीबन यही तस्वीरें हर जगह निकल के सामने आती है उत्तर भारत में। और बता दें कि लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। धूप की किरणें कम नज़र आ रही है, ठंड की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बच्चों की छुट्टियां भी कई जगह कर दी गई है। कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी हो चुका है। तुम्हारे साथ अलग अलग जगह से तमाम संवाददाता जुड़ चुके हैं। विजय कुमार बदायूं से जुड़ चुके हैं, सुशील गाजीपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और राकेश कुमार हमारे साथ सिद्धार्थनगर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राकेश, आपके पीछे तो मौसम साफ नजर आ रहा है, कोहरा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, सब कुछ सामान्य है क्या? राकेश, आपको आवाज मिल पा रही है? दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे राकेश को। सुशील, अगर बात की जाए तो गाजीपुर में क्या स्थिति है? हम गाजीपुर की बात करें तो कल भी मौसम काफी खराब था, और आज भी सर्द हवाओं ने लोगों का जीना दुर्लभ कर दिया है। और सबसे बड़ी दिक्कतें यहाँ पे हो रही है किसानों को। इसके साथ साथ जो सूचना आई है कि गाजीपुर के डीएम ने 1 से लेकर 8 तक के सभी निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालयों को बंद करने का ऐलान कर दिया है, और सिटी जी 20 जनवरी तक के विद्यालय बंद रहेंगे। इसके साथ ही कल डीएम ने यह भी कहा कि जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनको भी 24 जनवरी तक बंद कर दिया गया है, और उन्होंने साफ ये निर्देश दिया कि जो भी बच्चे हैं 3 से 6 साल के नौनिहाल वो नहीं जाएंगे, और भी जो
जरूरी कागजात हैं या फिर जो भी राशन वितरण के कार्य हैं वो होते रहेंगे, और समय पर अगर कोई भी अनियमितता मिलती है आंगनबाड़ी में तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर किसानों को है स्वीटी जी, क्योंकि सुबह से ही किसान चारा लाने के लिए अपने पशुओं को यहाँ पर जाते हैं, और बार बार ऐसा हम जब मैंने किसानों से भी बात किया तो रोजमर्रा भरी जिंदगी में एक दैनिक दिनचर्या का यह हिस्सा है और दिक्कतें किसानों को हो रही है। और इसके साथ साथ रैन बसेरे में भी गाजीपुर में जब हमने देखा तो वहां पर भी काफी ठंड है और काफी गलन है सिटी जी, और काफी दिक्कत हो रही है। और स्टेशन पर जो अभी रामलला की तैयारी हो रही है, लोग वहां पर रामलला के दर्शन के लिए जा रहे थे तो गाजीपुर से अयोध्या की दूरी लगभग 5 से 6 घंटे में लोग तय करते हैं। वहां पर भी जब वहां पर हम लोग गए थे वहां पर बात भी की तो स्थानीय लोग ये कह रहे थे कि ट्रेनें यहाँ से रद्द हो गई है और बस भी अगर कहें तो वहां पर चल नहीं रहा है क्योंकि इतनी सर्द मौसम है कि जो यात्री है वो बता रहे थे कि बस के जो मालिक है उन्होंने बसों के संचालन को बंद कर दिया है क्योंकि इतनी धुंध है कि सामने दिख ही नहीं रहा है। तो जो अयोध्या यहाँ से लोग जाने वाले थे उनको भी काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन हमने देखा वहां पर लोग बैठे थे और उन्होंने कहा कि जब भी 2 घंटे या 5 घंटे के बाद जब भी यातायात के साधन उपलब्ध होंगे वो अयोध्या जाएंगे। और इसके साथ ही किसानों के लिए बड़ी समस्या है, अलाव का लोग यहाँ पे सहारा ले रहे हैं लेकिन अलाव से ये नहीं कि सर्दी थम सी जाए, सर्दी ने लगातार अपना कहर जोरों पर दिया है। और कहीं कहीं सिटी जी देखने के लिए ये मिल रहा है कि वहां पर शीतलहर नहीं है लेकिन वहां पर जो ठंड के मौसम में जो हवा चल रही है इस हवाओं ने लोगों का जीना दुर्लभ कर दिया है और लोग दोपहर तक नहीं निकल रहे हैं। गाजीपुर के अस्पतालों की स्थिति अगर 2-3 दिनों में हम बताएं तो कल भी परसों आपकी हमसे बात हो रही थी वहां पर लंबी लाइनें लगी है और जो भी वहां के डॉक्टर उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि ठंड में ना आप निकले। लेकिन गाजीपुर जिले में जो गरीब तबका है गाजीपुर का जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको निकलना पड़ता है और वो जरूरी है क्योंकि जो मजदूर वर्ग है यहाँ पर वो मजदूरी जब करेंगे तभी उनके घर में एक पैसा खाने के लिए आता है तो मजदूरी भी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन ठंड में रुक जाए तो कहाँ जाए। और यहाँ पर अस्पतालों में ओपीडी में लगातार लाइनें लगी हुई है, अस्थमा के मरीज सांस के मरीज भी यहाँ पर लगातार मिल रहे हैं और उसका इलाज भी हो रहा है लेकिन इतनी भीड़ हो जा रही है कि डॉक्टर करे तो क्या करे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है गाजीपुर में, कुछ डॉक्टर हैं तो इतनी भीड़ हो जा रही है कि डॉक्टर भी लोगों को आगाह कर रहे हैं। लेकिन साफ निर्देश भी दिया गया है कि अगर लोगों को ठंड है तो वो बाहर ना निकले, अलाव का सहारा रहे। और इसके साथ ही यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर कहें तो हार्ट अटैक से लोगों की मौतें भी हो रही है और ठंड कपाने वाली ये जो कि एकदम से लोगों को दुर्लभ सा कर दिया है और मौसम ने अगर कहें तो समय को रोक सा दिया है। किसी ने स्वीटी जी सोचा नहीं था कि ये मौसम इस तरीके से करवट लेगा और सुनने में ये भी आ रहा है, मौसम विभाग ने ये अलर्ट भी जारी किया है कि लगभग 28 जनवरी तक ये सर्द मौसम इसी तरीके से रहने वाला है। गाजीपुर ही नहीं पूर्वांचल के जो भी जिले यहाँ पर है स्वीटी जी यहाँ पे से जो लोग जाते हैं बलिया जौनपुर भदोही वाराणसी जो लोग कूच करते हैं वहां पर भी बसों जो कि समय से जो चलती थी वो बसें 2 घंटे 4 घंटा लेट है और जो कि गाजीपुर जिले में ठंड की मौसम ठंड काफी ज्यादा है और यहाँ पर लोग काफी परेशान हैं। और हम कहें तो ठंड के समय में जो अलाव की बातें हो रही हैं, अलाव कुछ जगह आपको मिलेंगे लेकिन बहुत सारे ऐसे गांव भी हैं वहां पर अलाव दिखे नहीं है और जो भी बड़े अधिकारी हैं कम से कम उनको वहां पर जाके देखना चाहिए जो भी मुख्य मार्ग है ब्लॉक। बिल्कुल, प्रशासन का इंतजाम काफी अहम हो जाता है इस पूरे ठंड के प्रकोप में। अगर ऐसे में बदायूं की बात की जाए तो कितने डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है तापमान विजय? तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया है। अगर बात करें तो पिछले 15 दिनों से जो है बदायूं में धूप देखने को नहीं मिली है। हालांकि सर्द बहुत ज्यादा है और लगातार प्रशासन देखिए छोटे बच्चों के स्कूल जो है बंद कर रखा है अभी 2 दिन के लिए, 18 और 19 के लिए जिलाधिकारी ने फिर मौसम को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक की छुट्टी कर दी है। वहीं अगर गांव और शहरों और छोटे कस्बों में देखा जाए तो अलाव के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जगह जगह अलाव जलाया जाए क्योंकि एक चीज और खास रखती है क्योंकि उत्तराखंड से सटा एरिया है और बरेली मंडल में ये नजदीक आता है तो बदायूं में जो है इस वजह से भी जो है सर्द हवाएं चलती हैं और यहाँ कोहरे की जो है ज्यादा हो रहती है, तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट होने के कारण अधिक ठंडक है और इस ठंडक से जो है रोड पर वाहनों में भी एकदम से जिंदगी ठहर गई है। लोग गांव में घरों में और
निकलने को मजबूर हैं, घरों में पिबकने को मजबूर हैं। वहीं अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों में देखिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो खेतों में काम करते हैं, ये सब ठंड के चलते सारा जीवन जो एक ऐसा गया है और इसमें गिरे टेम्परेचर के चलते एकदम से सब जनजीवन जो है एकदम अस्त व्यस्त है। जी जी बिल्कुल, जनजीवन सबका अस्त व्यस्त हो चुका है। राम जी के ऐसे में लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो क्या मौसम को लेकर अपडेट है? देखिए अगर स्वीटी मौसम की बात की जाए तो जिस तरीके से अभी भी धूप नहीं निकली है और लगभग डीएम के आदेश पे 20 तारीख तक छुट्टियों का और भी बढ़ा दी गई है, कक्षा 1 से 8 तक की छुट्टियां दे दी गई हैं। आपकी बात लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो इंडो नेपाल बॉर्डर के जो मैदानी इलाका है, जो सबसे ज्यादा कृषि कार्य लखीमपुर खीरी में होता है, जिस तरीके से गन्ना का पैदावार है सब चीजें, तो कहीं ना कहीं जो मैदानी इलाके हैं जिस तरीके से ठंड का प्रकोप हाड़ को कपा देने के लिए ठंड का प्रकोप बढ़ गया है और जिस तरीके सूरज के दर्शन नहीं हो पाए हैं और विजिबिलिटी की बात की जाए तो विजिबिलिटी लगभग कल 6 सेल्सियस नोट की गई थी और आज भी जिस तरीके से आज 17 है, जिस तरीके से आपसे बात की जाए तो आपको बताते चले कि जिस तरीके ठंड की अगर बात की जाए तो हाड़ को कपा देने के लिए ठंड है और सूरज के दर्शन नहीं, सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आने जाने के लिए जो बसें हैं कहीं ना कहीं बसों को कछुए की चाल को चलना पड़ रहा है तो आज जनजीवन अस्त व्यस्त है। छुट्टी जी बिल्कुल, अगर राकेश बात की जाए तो देखिए आपके पीछे मौसम जो है वो साफ नजर आ रहा है, यानी कि कोहरे का प्रकोप नहीं झेलना पड़ रहा है सिद्धार्थनगर में। यहाँ सिद्धार्थनगर जिले में कोहरे का असर नहीं दिखा लेकिन ठंड तो आज थोड़ा सा कोहरे का प्रकोप कम है लेकिन ठंड जिस तरीके से ठंड का जो हवाएं चल रही, सर्द हवाएं चल रही तो कहीं ना कहीं छोटे बच्चे जो बुजुर्गों के लिए बहुत ही एक कष्टदायी ठंड है। जो बिल्कुल कष्टदायी ठंड है, ऐसे में बुजुर्गों को और छोटे बच्चों का ख्याल रखना काफी जरूरी हो जाता है। सुशील अगर बात की जाए तो देखिए जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और संभावित ये कहा गया है कि बर्फबारी भी हो सकती है, यानी कि जो मैदानी इलाके है वहां पर ठंड और बढ़ सकती है आने वाले दिनों में, कम होने की संभावना नहीं नजर आ रही है। सही कहा आपने और इसके साथ ही हम कहें कि आपने जो बात की ना कि यहाँ पे कल रात को जब हम लोग निकले थे तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसे मतलब कि जैसे सर्द में काफी दिक्कतें अगर हम कहें, और गाजीपुर जिले की हम बात करें तो स्वीटी जी पूर्वांचल का जो इलाका है लगभग 10 जिले हैं वहाँ पर, ये इलाका मजदूरों का ये इलाका है और यहाँ पर इस इलाके में ठंड जो है सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है और लगभग 3 दिन हो गए सूर्य देवता के लोगों ने दर्शन नहीं किए हैं और इसके साथ ही सरकारी जो भी सरकारी महकमे हैं वहां पर भी जो कार्य है वहां पर भी सिटी की ब्रेक सा लग गया है और वहां पर भी अधिकारी सही समय पे आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि न आने का कारण ये ठंड है। समय पर अगर वो निकलते भी हैं तो वहां से जो उनकी दूरी है, हमने बात की बहुत सारे ऐसे अधिकारीगण भी थे तो उन्होंने कहा कि इतनी ठंड है और कुछ ऐसे दफ्तर हैं जहां पर अधिकारी भी आपको नहीं मिलेंगे। रैन बसेरे में जरूर वहां पर रुकने के साधन उपलब्ध हैं लेकिन अगर हम ये कहें कि रैन बसेरे में अगर आप ठीक ठाक रात गुजार ले तो वहां पे ठंड लगेगी आपको और ठंड लग सकती है और ठंड लगने के साथ ही आप पर वो बीतती है जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं सिटी जी, गरीब सबका सबसे परेशान होता है सिटी में और गरीब सबका सबसे परेशान है और हम कहें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने कंबल वितरित किए हैं, ऐसे लोगों को सहारा भी मिला है लेकिन बहुत सारे ऐसे आजीविका के साधन है कि ठंड कितनी भी पड़े आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको अपने परिवार के लिए 2 रोटी का यहाँ पे जुगाड़ करना पड़ता है क्योंकि बलिया, गाजीपुर, भदोही, इलाहाबाद, वाराणसी से जितने सटे हुए जिले हैं ये लोगों को काम काजू हम कहें और किसानों को बड़ी समस्या होगी। सब्जी मंडी में आज बात करें तो अभी हम लोगों ने जब बात की तो सब्जी मंडी में भी किसान समय पे नहीं पहुंच सके हैं और अगर आपको शीतलहर का प्रकोप ना नजर आए लेकिन ठंड काफी तेज है और हवाएं चल रही है और इन हवाओं ने लोगों का जीना दुर्लभ कर दिया है और आज भी हम कहें तो शाम तक मुझे नहीं लग रहा कि आज सूर्य देवता के दर्शन होंगे, हाड़ कपाने वाली ठंड लगातार जारी है और इसीलिए जिला अधिकारी ने भी इस मामले को सीधे संज्ञान में लिया है और उन्होंने साफ ये निर्देश दिया है कि जो भी प्राइवेट विद्यालय है उनको भी बंद किया गया है। 20 जनवरी तक 1 से 8 तक के जो विद्यालय है वो बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी साफ ये निर्देश दे दिया गया है कि दिलीप कुमार पांडे ने ये साफ कहा, जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं वो गाजीपुर के, उन्होंने कहा कि 24 जनवरी तक आप बच्चे नहीं आएंगे पढ़ने के लिए लेकिन साफ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी और भी काम है, कागजात के काम है या फिर राशन वितरण का
सिटी जी आंगनबाड़ी में काम होता है वह सब वितरण होगा। और इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी जरूरतें भी हैं जो कि लोग कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कतें यहाँ पे चारा की पशुओं को दिक्कतें हो रही हैं। और अलाव यहाँ पर नदारत है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं वहां पर जो गांव के जो मजबूत लोग हैं, जो मजबूत तबके के लोग हैं, वहां पर अलाव मंगवा लेते हैं। जो मैं गाजीपुर की बात आज मैं आपको कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे गांव में 80% आपको अलाव आज भी नहीं मिलेंगे। आखिर वो लकड़ियां जाती कहां हैं? और अगर ऊपर से प्रशासन अगर उन लकड़ियों को यहाँ पर धरातल पे अगर आम लोगों के लिए देता है कि नहीं, आम लोगों को ठंड में जो ठिठुरन है उससे थोड़ी निजात मिलेगी, तो एक पहला सहारा सूची जी अलावी है, चाहे वो गरीब सबका हो, ये बड़े लोग हैं, बिना अलाव के हम रह नहीं सकते ठंड में। लेकिन आज भी अलाव बहुत सारे लगभग गांव हैं वहां पर अलाव आपको नहीं मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन उन लकड़ियों को हो सकता है कहीं दूसरी जगह वो शिफ्ट करवाते हैं, ये बड़ी लापरवाही है। यातायात साधन पर ब्रेक लग गया है और गाजीपुर जिले में भी जो एक हफ्ता पहले ट्रेनों का परिचालन समय से होता था, आज वो ट्रेनें नहीं चल रही हैं या फिर बहुत लेट हैं। और जो लोग यहाँ से बनारस और इलाहाबाद की ओर कूच करते हैं, स्वीटी जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट जॉब भी करते हैं या सरकारी सर्विस भी करते हैं, जब हमारे उनसे बात हो रही थी उन्होंने ये कहा कि सुशील हम सुबह अगर जाते हैं तो शाम तक अपने घर आ जाते हैं, लेकिन ठंड में ठंड की ठिठुरन ने हार कपाने वाली जो ठंड है उन्होंने कहा कि अभी बहुत परेशानियां हो रही है और ट्रेनें के न चलने से जो बिल्कुल ठंड काफी ज्यादा है, ऐसे में लोगों को अपना ध्यान रखना काफी जरूरी है क्योंकि कोहरे का प्रकोप भी उतना ही देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है, तकरीबन एक हफ्ते तक यही मौसम रहने वाला है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है, पूरे देश में राममय माहौल है, वही राम के नाम पर सियासत भी हो रही है। इसी बीच इंडिया वॉइस संवाददाता सादिक खान ने खास बातचीत की है विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार से, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। पूरा देश में राम में माहौल है और विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है राम मंदिर का। विपक्ष विरोध कर रहा है, इस बात की भी परीक्षा करनी चाहिए। बीएसपी ने स्वागत किया है, समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया है और कहा है कि मैं आऊंगा इसलिए, पर विपक्ष में कुछ इंडिया अलायंस के ऐसे नेता हैं जिनको सनातन और हिंदुत्व से स्थायी रूप से नफरत है, जो ये कहते हैं कि मंदिर की घंटी पाखंड है और सनातन डेंगू है, वो लोग अपनी छाती पीट रहे। पर हमने तो सबको बुलाया, प्रधानमंत्री को भी बुलाया और विपक्ष के नेता को भी बुलाया, कांग्रेस के अध्यक्ष को बुलाया, तो बाकी अध्यक्षों को बुलाया। अगर बाकी लोग मैदान छोड़ जाएंगे तो जो मैदान में रहेंगे मैदान उनका होगा। सर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं अभी तो मंदिर ही अधूरा है। मंदिर का ग्राउंड फ्लोर पूरा हो गया है, जहाँ पे राम लला विराजना है वो पूरा हो गया है, पर मैंने उनको सोमनाथ जी का चित्र देखना चाहिए। सोमनाथ का मंदिर नेहरू जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से बना था, उसका गर्भगृह बना था, बाकी मंदिर नहीं बना था। तब वहाँ शिव जी को स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे। अभी तो पूरा मंदिर ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया है। तो ये था हमारे साथ आलोक जी, जिन्होंने साफ तौर पर हमसे बातचीत की है और पूरी तरह से कहा है कि विपक्ष लगातार झूठ बोल रहा है और मंदिर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस दिल्ली। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है, पूरे देश में राम में माहौल है, वही राम के नाम पर भी सियासत हो रही है। इसी बीच इंडिया वॉइस संवाददाता खास बातचीत की है मशहूर गायक और बीजेपी सांसद हंसराज हंस से, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, पूरा देश राम में है। हमारे साथ हंसराज हंस जी सांसद मौजूद हैं। सर 22 जनवरी ऐतिहासिक दिन है, 500 साल के इंतजार के बाद ये दिन आ रहा है, क्या कहेंगे? सदियों की प्रतीक्षा के बाद ये दिन देखने को मिला है, शुक्र है मालिक का। इसीलिए तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, भगवान किसी न किसी को समर्था ताकत बख्शता है, ऊर्जा बख्शता है, तो क्रेडिट ये सारे का सारा उनके नेतृत्व को जाएगा और उनकी पुरजोर कोशिशें रंग लाई है। तो जय श्री राम, शुक्र है।
लेकिन सर कुछ लोग विपक्षी लगातार विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। वो जब विपक्षी है कुछ ना कुछ तो करेंगे बेचारे एग्जिस्ट करने के लिए। सर अब अरविंद केजरीवाल ने सुंदरकांड शुरू कर दिए हैं। अच्छा जी, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, भगवान का नाम ही ले रहा है। जो सुंदरकांड में यानी उसकी फिलॉसफी है उसको जीवन में प्रैक्टिकली अपना ले तो बहुत अच्छी है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हंसराज हंजी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमसे बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट आचू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।